नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस एजुकेशन। मैं हूं दिनेश साहू और आज से हम भारत की राज्य व्यवस्था या फिर संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह हमारा पहला लेक्चर है और हम प्रॉपर संविधान जो हम पढ़ेंगे इसे पूरा टोटल कंप्लीट करेंगे, है ना। एक छोटी से छोटी चीज़ को कवर करेंगे। और यदि मैं इसको बता दूँ कि इसका लेवल क्या रहेगा, तो हम UPSC, ठीक है, जितने भी स्टेट PSC के एग्ज़ाम होते हैं वो, SSC, इसके अलावा रेलवे देख लें, है ना, और कोई भी यदि लोकल एग्ज़ाम आप देख लें जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया या फिर टीचर हो गया, ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों, जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं या भारत की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा वर्तमान संविधान है, ठीक है, वह वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार से आया है ना, तो उसे अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ी पास्ट में जाना पड़ता है और जो अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर एक्ट लाए गए थे उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो भारत में अंग्रेज़ों द्वारा सबसे पहले जो एक्ट लाया गया था, या फिर बोलें ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट लाया गया था, वो था सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। दोस्तों, मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बोर्ड में लिख दिए हैं ताकि आप नोट्स भी बना सकें, है ना, और मैं अच्छे से यहाँ पे एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो इसका नाम है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये कैसे पढ़ा। देखिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करें, है ना, किसी भी चीज़ की, कुछ भी पढ़ते हैं, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछा कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है, मैं आपको थोड़ी कहानी समझाता हूँ, ठीक है। 1757 में आपको पता होगा प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, और 1764 में बक्सर, ठीक है, ये दो निर्णायक युद्ध थे अंग्रेज़ों के, ठीक है, भारत में राज करने के लिए, ठीक है। तो ये 1757 के युद्ध के द्वारा, ठीक है, अंग्रेज़ों का बंगाल में कब्जा हो गया था, ठीक है, और 1764 एक निर्णायक युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्या हुआ कि 1764 के बाद 1773 में, ठीक है, लगभग बोला तो 9 साल बाद, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद को यह एक्ट लाना पड़ा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जब अंग्रेज 1600 में भारत आए थे तो वे सिर्फ यहाँ पर एक व्यापार करने आए थे, ठीक है, ब्रिटिश संसद से अधिकार पत्र लेकर यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने तमाम यूरोपीय कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया, ठीक है। और आपको पता होगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं बचा था भारत का, ठीक है, जो इनको रोक पाता, ठीक है, क्योंकि मुगल यदि हम मुगल पढ़ते हैं तो लास्ट वही शक्तिशाली शासन था जो भारत में रूल कर रहे थे, ठीक है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसी शक्तिशाली शक्ति यहाँ पर नहीं बची थी जो अंग्रेज़ों को रोक पाती। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक एक करके यूरोपीय कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया, ठीक है, और 1757 और 1764 के ये दो युद्धों के बाद यहाँ पर उन्होंने अपना एक, बोला जाए तो, प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने एक छोटी सी कहानी समझी। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को 1773 में ब्रिटिश संसद को यहाँ पे ये एक्ट लाना पड़ा। तो दोस्तों, हो क्या रहा था, ठीक है, यदि हम कारण की बात कर लें तो कारण क्या थे इस एक्ट को लाने के, तो दोस्तों, भ्रष्टाचार, निरंकुशता तथा निजी व्यापार, ठीक है। दोस्तों, हो क्या रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी, ठीक है, अब भारत में देखिए, पहले तो जब कंपनी यहाँ आई तो सिर्फ व्यापार कर रही थी, लेकिन अब वह यहाँ पे प्रशासन भी कर रही थी, मतलब राजनीतिक गतिविधियाँ भी कर रही थी, ठीक है दोस्तों। तो हो क्या रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, इसके जो भी अधिकारी थे, ठीक है, वो क्या करने लगे, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लगे, ठीक है, और निजी व्यापार करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो कंपनी थी दिन ब दिन घाटे में जाती गई, ठीक है, और बहुत ही निरंकुशता वाला शासन देखने को मिल रहा था, जिसके चलते क्या हुआ कि कंपनी दिन ब दिन घाटे में जाती गई, ठीक है।
ठीक है। और एक टाइम ऐसा आ गया कि ब्रिटिश, ठीक है, जो ब्रिटिश संसद है उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,00,000 पौंड, ये बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे, उधार के तौर पे लेना पड़ा। कंपनी इतनी ज़्यादा कर्जे में चली गई, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश संसद से इतनी बड़ी राशि उधार के तौर पर ली, ठीक है, तो उन्होंने भी कारण जानने की कोशिश की, कैसा हो के छल क्या रहा है कि पूरे भारत में आप रूल कर रहे हो और आपकी कंपनी घाटे में जा रही है ना। तो जब ब्रिटिश ईस्ट जब ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश सरकार को ये बातें पता चली कि ठीक है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, निरंकुशता फैली हुई है, ठीक है, तो इन्हीं कारणों के चलते, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश संसद ने ये एक्ट बनाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है दोस्तों। इसके पीछे और कारण थे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाना, ठीक है। ये जो मैंने अभी कारण बताए उसी से एक इंटरलिंक्ड कारण है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, ठीक है, उसके शासन को ब्रिटिश संसद अपने अनुकूल बनाना चाहती थी, ठीक है, ताकि दोस्तों कहीं इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, स्वयं इतनी निरंकुश हो जाए कि अब वो पता चला ब्रिटेन में ही आक्रमण कर दे, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए या इनके शासन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए इन्होंने 1773 का एक्ट बनाया। दोस्तों कुछ कारण और थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हुआ करते थे और जब भी ये ब्रिटेन जाया करते थे, ठीक है, ब्रिटेन जाया करते थे तो अपना जीवन ऐश आराम में व्यतीत करते थे, ठीक है, भोग विलासिता वाला जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि यहाँ से वो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कमा के जाते थे। मैंने आपको बताया कि निजी व्यापार कर रहे थे वो, है ना। तो क्या हुआ दोस्तों, कुछ टाइम बाद इनका ब्रिटिश संसद के कार्यों में भी हस्तक्षेप होने लगा, ठीक है, जिसके कारण ब्रिटिश संसद में जो लोग काम करते थे, ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, इनके बीच में मनमुटाव भी हो गया। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार को ये एक्ट लाना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ कारण की चर्चा कर ली। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाने का क्या कारण था, है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ी डिस्कस कर लें कि उस टाइम पे जब यह एक्ट लाया गया तो ब्रिटेन में क्या स्थिति थी। तो दोस्तों ब्रिटेन के जो राजा, आपको पता होगा कि ब्रिटेन में क्या व्यवस्था चलती है ना, तो वहाँ सबसे ऊपर क्राउन होते थे, क्राउन या फिर राजा रानी, है ना, उसके नीचे ब्रिटिश संसद होती थी, ब्रिटिश संसद होती थी या फिर ब्रिटिश सरकार होती थी, ठीक है, और भारत में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि प्राइवेट थी, जब ये आई थी यहाँ पे तो पूर्णतः प्राइवेट कंपनी थी और ब्रिटिश संसद से एक अधिकार पत्र या अधिकार पत्र लेकर भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया कि उस टाइम पे जो क्राउन थे वो जॉर्ज तृतीय थे, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ही यह एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था और ये प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। दूसरी बात कर ले दोस्तों कि इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट कैसे पड़ा, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि चूँकि ये रेगुलेट हो रहा था कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है, इसी कारण इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पड़ा। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया कानून था यह, और रेगुलेट कहाँ से हो रहा था, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार से। उसके बाद दोस्तों हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रावधान है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो प्रथम फर्स्ट इसके गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है, वो कौन थे, यहाँ लिख दो बंगाल, वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई एग्जामों में पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों उस टाइम क्या मतलब हम बात करें 1773 के पहले की, तो ये भारत हुआ करता था और यहाँ पे अंग्रेज़ों की मुख्यतः तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। एक थी मद्रास, एक थी यहाँ पे बॉम्बे, ठीक है, और एक थी यहाँ पे बंगाल या कोलकाता, बंगाल या कोलकाता, ठीक है दोस्तों। तो ये 1773 से पहले हुआ क्या करता था दोस्तों, कि ये तीनों जगह के, है ना, ये तीन प्रेसिडेंसी मुख्यतः तीन प्रेसिडेंसी थी,
इसके तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, और ये तीनों गवर्नर गवर्नरों के पास अपनी अलग शक्ति हुआ करती थी, सबके पास अलग अलग शक्ति हुआ करती थी। तो इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर है, पहले क्या बोलते थे, सिर्फ गवर्नर शब्द यूज़ किया करते थे, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके द्वारा? 1773 के एक्ट के द्वारा। क्यों कहा जाने लगा? जो बॉम्बे, मद्रास और जो अन्य भी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसके जो गवर्नर हुआ करते थे उनकी जो शक्ति हुआ करती थी, तो उनकी शक्तियों को कम किया गया, ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो शक्ति का केंद्रीकरण हुआ, सारी शक्तियाँ यहाँ पर सिमट रही हैं। देखिए शक्ति का केंद्रीकरण क्या होता है दोस्तों, यदि शक्तियों का संचालन एक जगह से होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं शक्ति का केंद्रीकरण। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या होता है, जैसे ये भारत है, ठीक है, और शक्तियाँ यहाँ भी दे दी, यहाँ भी दे दी, यहाँ भी दे दी, यहाँ भी दे दी और यहाँ भी शक्तियाँ, तो हो गया शक्ति का विकेंद्रीकरण। और शक्ति का केंद्रीकरण क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कि समस्त शक्तियाँ यहाँ पर सेंट्रल में हैं, ये तो ये शक्ति का केंद्रीकरण होता है। तो दोस्तों हो क्या रहा था, संपूर्ण शक्ति, मतलब संपूर्ण तो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम शक्ति बंगाल के गवर्नर को दे दी गई। और ये किसे रिपोर्ट कर रहा था, ये कर रहा था ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश संसद को, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से ये एक्ट, जो ब्रिटेन था, यहाँ से ये पूरा एक्ट रेगुलेट हो रहा था, ठीक है, और ये जो गवर्नर था ये इसको रिपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे। तो दोस्तों गवर्नर की सहायता के लिए तथा अन्य कार्यों का संचालन करने के लिए गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन किया गया जिसका नाम था, जिसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 4 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। ये आप जो गवर्नर जनरल की परिषद देखेंगे या फिर काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल देखेंगे, इसमें आगे चलकर जो सदस्य हैं इसमें प्लस माइनस भी होंगे, है ना, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट में 3 हो जाएंगे, आगे चल के और आप देखेंगे तो फिर 4 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको बढ़ोतरी और कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों, जिसके जज थे एलिजा एम्पे, ठीक है, और अन्य 3 और जज थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और एम्पे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में, कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, जिसके जज एलिजा एम्पे थे, ठीक है, और 3 अन्य उसके और जज थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये जस्ट वहाँ का एक कोर्ट था, ठीक है, जो वहाँ के मुकदमों की सुनवाई के लिए बनाया गया था, ठीक है, और इसके जो रूल, जो भी इसकी कानून व्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार की कानून व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसे जो हमारा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, ठीक है, जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली में स्थित है, उससे आप रिलेट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लिया गया है, ठीक है, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो इस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिनका काम क्या था, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य, राजस्व और जो जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, यहाँ पे उनका प्रभुत्व स्थापित था, उन क्षेत्रों का निरीक्षण करना, ठीक है, सैन्य निरीक्षण करना और राजस्व देखना कितना राजस्व है, तो ये सब चीज़ें देखती थी, ठीक है। तो इसलिए इन कारणों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार। तो दोस्तों देखिए, कंपनियों को इस एक्ट के द्वारा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी को 2 एकाधिकार दिए गए, ठीक है, एकाधिकार, एक था व्यापारिक एकाधिकार, दूसरा था राजनीतिक या प्रशासनिक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ एकाधिकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है एकाधिकार? तो दोस्तों एकाधिकार क्या होता है कि जो हमारा भारत था, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ठीक है,
और ये ब्रिटिश ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से, आपको पता होगा, अधिकार पत्र लेकर आई थी कि भारत में व्यापार, या फिर जो हमारे पूर्वी एशिया के देश हैं वहाँ पर व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र लेकर आई थी, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को दो प्रकार के एकाधिकार दिए गए, एक तो व्यापारिक, दूसरा था राजनीतिक और प्रशासनिक, ठीक है। तो एकाधिकार क्या होता है दोस्तों, अब इस एक्ट के बाद से भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी और राजनीति या प्रशासन करेगी। इसका मतलब यदि कोई अन्य कंपनी ब्रिटेन से यहाँ आकर व्यापार करना चाहे या फिर और प्रशासन करना चाहे तो नहीं कर सकती थी, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि अब भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी और प्रशासन करेगी, इसके अलावा कोई और कंपनी चाहे तो यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी। तो 20 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया कंपनी को, ठीक है। तो ये 1773 से 1784 तक कंपनी को राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार दिए गए। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, रिश्वत उपहार और निजी व्यापार में प्रतिबंध, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों मुख्य कारण ही यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे या कर्मचारी हुआ करते बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे और अपने निजी व्यापार में, निजी व्यापार व स्वार्थ में लिप्त हो गए थे। इसी कारण इस एक्ट के द्वारा रिश्वत उपहार और निजी व्यापार में प्रतिबंध लगा दिया गया। एक प्रकार से आप बोलें तो अब ये ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के एक प्रकार से अंडर काम कर रहे थे, उनके अंडर काम कर रहे थे, उनके अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों ये हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम महत्व देख लेते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसका आखिर महत्व क्या था, ठीक है। तो भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटेन सरकार थी या ब्रिटिश संसद थी, पहली बार भारत में उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी उनके कार्यों को नियंत्रण किया। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव, क्योंकि जो भी ये एक्ट बनाया जा रहा था यहाँ पर, जो भी यहाँ संचालन हो रहा था और ब्रिटेन से हो रहा था एक्ट के द्वारा, ठीक है, तो ये जो शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है वो एक जगह हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से ब्रिटेन से ये एक्ट बनाया जा रहा है और यहाँ इनका एक बंदा बैठा हुआ है बंगाल में, बंगाल का गवर्नर जनरल बैठा है, ठीक है, जो इनके कार्यों का संचालन कर रहा है एक प्रकार से देखा जाए, ठीक है, और इसकी शक्तियों में भी बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो इस एक प्रकार से केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। दूसरा है ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण। तो दोस्तों इसके पहले ब्रिटिश संसद का कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से जो कर रही थी वो खुद से कर रही थी, व्यापार कर रही थी, प्रशासन कर रही थी, लेकिन कि भ्रष्ट नीतियों को देखते हुए और कुप्रशासन को देखते हुए, ठीक है, ब्रिटिश संसद को यह एक्ट लाना पड़ा। इस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण देखने को मिला, ठीक है दोस्तों। तो यह हमारा पहला एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्तों। यदि आप पीएससी या फिर यूपीएससी का मेंस भी देते हैं तो इस टॉपिक से आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को समझाइए, ठीक है, तो इसमें आप सारी बातें लिख सकते हैं कि क्या कारण था आने का, क्या प्रावधान थे और क्या महत्व था, ठीक है दोस्तों। देखिए ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा और ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये तीनों पॉइंट से आप समझा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला है ना, कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाने के क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे कि ब्रिटिश संसद को भारत में एक्ट लाना पड़ा, ठीक है, तो ये कारण भी आ सकते हैं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद प्रावधान पूछ सकता है या फिर महत्व भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर एक हर एक चीज़ हमने कवर कर ली है दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक पॉइंट रह गया दोस्तों कि मैंने आपको बताया जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये दोस्तों पहले और एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई,
तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाएगी और ये महाभियोग होता है, ये होता गया है। तो दोस्तों ये महाभियोग आप यदि जब आगे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये महाभियोग शब्द है ये राष्ट्रपति के संदर्भ में भी देखने को मिलेगा। ये महाभियोग जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है पद से हटाने की, ठीक है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी इतना याद रख लीजिए कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिटिश संसद द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। क्यों चलाई गई दोस्तों, मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो कौन थे, एलिजा एम पे। तो दोस्तों जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे और एलिजा एम पे थे, ठीक है, ये दोनों गहरे दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, मतलब एक बहुत पक्के दोस्त थे, ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं उनकी कुछ लोगों से बन नहीं रही थी या कुछ लोगों से दुश्मनी थी, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने एलिजा एम पे से कहा कि आप इन जो दो तीन लोग हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग ने एलिजा एम पे से कहा कि आप इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाइए और इन्हें आप फांसी की सज़ा दीजिए, ठीक है। तो भैया अब ये भी दोस्ती में बंधे हुए थे, ठीक है, एलिजा एम पे ने भी इनके विरुद्ध कार्यवाही की और इन्हें फांसी की सज़ा दिलवा दी, ठीक है भैया फांसी हो गई। उसके बाद जब यह बात ब्रिटिश संसद को पता चली या ब्रिटिश सरकार को पता चली तो वॉरेन हेस्टिंग को उन्होंने ब्रिटेन वापस बुलाया, ठीक है, और इनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई। हालांकि बाद में इनको वाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कहानी थी इसके पीछे की। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ऐसे गवर्नर जनरल कौन थे जिनके ऊपर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। तो ये एक पॉइंट रह गया था, उसे भी हमने कवर कर लिया। तो दोस्तों जल्दी से हम एक क्विक रिविज़न करेंगे, ठीक है, उससे पहले मैं पानी पी लूँ। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसके कारण डिस्कस किए, है ना। तो कारण क्या थे दोस्तों कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे और निरंकुश थे, ठीक है, जिसके कारण ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद दोस्तों इसके कुछ प्रावधान थे। पहला प्रावधान क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा था कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके जज थे एलिजा एम पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट था दोस्तों कि इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के अधिकारी थे उन्हें निजी व्यापार, रिश्वत, उपहार, भारतीयों से उपहार लेने आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिएगा। इसके बाद दोस्तों कंपनी को 20 वर्षों के लिए एक अधिकार दिए गए, दो एक अधिकार दिए गए, प्रशासनिक या फिर राजनीतिक और दूसरे थे व्यापारिक। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार या फिर राजनीति कर सकती थी या फिर प्रशासन कर सकती थी, इसके अलावा कोई कंपनी चाहे तो यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी। तो 20 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया गया। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया जिसका काम था सैन्य, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य जो गतिविधियाँ थी या फिर राजस्व था ईस्ट इंडिया कंपनी का और जो उनका जहाँ जहाँ वो रूल कर रहे थे उन सभी चीज़ों को देखना, ठीक है दोस्तों। इसका महत्व क्या है कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार का भारत में नियंत्रण देखने को मिला, ठीक है, प्रथम नियंत्रण देखने को मिला और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। तो दोस्तों ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, ये हमारा पहला लेक्चर था। इसके बाद हमारा जो सेकंड लेक्चर आएगा वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट का जो 1784 में आया था और आगे हम चार्टर एक्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें हर एक पॉइंट हमने अच्छे से कवर किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम रेगुलर यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं आपको, ठीक है, और कुछ टाइम बाद मैं ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ और उसके बाद हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रेगुलर मैं वीडियो डालूँगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट लेसन आएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए वो। तब तक के लिए धन्यवाद।